हेलो एवरीवन, बहुत दिनों के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे इस छोटे से प्यारे यूट्यूब चैनल में। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार इतने टाइम बाद मैं यहाँ पर फिर से क्यों आ गया। यार मुझे जो कुछ इंपॉर्टेंस लगा कि ये चीज़ यूट्यूब पे होना चाहिए, कि यहाँ पर इंटरनेट पर जो है वो अवेलेबल नहीं है। उस क्वेश्चन मतलब कि कहे एक क्वेश्चन का अनआंसरेबल क्वेश्चन कह सकते हैं उसको, वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है कहीं भी यूट्यूब पे या कहीं ब्राउजर पे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अवेलेबल कराया जाए, कि यहाँ पे मेरे पास वो चीज़ आ गया तो मैं सोचा यार आपके पास वो चीज़ का आंसर होना चाहिए। तो काफ़ी सारे रिसर्च के बाद जो है ये आंसर मैंने ढूंढ लिया है। तो बिना किसी और बकवास के साथ छोटे से इंट्रोडक्शन चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आप सब यार यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जहाँ पे जियो फाइबर आके एयरटेल एक्सचेंज फाइबर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है, वो है बीएसएनएल फाइबर। यहाँ पे बीएसएनएल फाइबर लॉन्च हो चुका है, उसको लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया है। बट यहाँ पे एक चीज़ लोग मन में सवाल आता है कि उसका प्राइस क्या है। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वहाँ पर उसका जो प्राइस बताता है इंस्टॉलेशन चार्ज वो 500 रुपया है। बट हम यहाँ पता करते हैं कि बीएसएनएल केयर पर कॉल करते हैं, वहाँ से पता करते हैं तो वो हमें बताते हैं 4,000 से लेकर 5,000 से लेकर 10,000 तक की प्राइस। अब ऐसा क्यों है, इन्हीं सारे सवालों को आज मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर मिल जाए। जहाँ तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास ही बिजनेस फाइबर कनेक्शन लग चुका है, उसको लगे हुए आई थिंक 4-5 दिन हो गया है। और यहाँ पे जो मैं अपना पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, और यहाँ पे जो रीज़न क्या है कि क्यों किसी को 3,500 देना पड़ रहा है, किसी को यहाँ पे 4,000 रुपये देना पड़ रहा है, किसी को यहाँ पे 5,000 रुपये देना पड़ रहा है, किसी को यहाँ पे 10,000 रुपये भी देना पड़ जाता है उसी सेम कनेक्शन के लिए। जहाँ बताया जाता है कि बीएसएनएल बोलता है अपने पोर्टल वेबसाइट पर यहाँ पे 500 रुपये में आप बीएसएनएल फाइबर को अपने घर तक लगवा सकते हो। बट ऐसा यहाँ पे कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए तीन रीजन के बारे में आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और इस वीडियो को इस स्टेप को मैं सोच रहा हूँ पूरा स्टेप वाइज आपके लिए पहुँचाऊँ। यहाँ पे इसको मैं स्टेप वाइज करूँगा, जैसे कि कैसे इसका बुक करना है, यहाँ पे इसका पेमेंट क्या है, यहाँ पे इसका जो है ओवरऑल फीचर क्या है, इसका इंटरनेट एक्सपीरियंस क्या है, और पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है आपको लास्ट में आपको मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे बात करें इसकी बुकिंग का, इसकी बुकिंग जो है आप तीन वे में आप इसको बुक कर सकते हो। अब तीन वे मैंने यहाँ पे क्यों कहा, यहाँ पे आप बीएसएनएल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी बीएसएनएल पोर्टल पे जाके इसको आप बुक कर सकते हो, और दूसरा जो वे है आप उसके बीएसएनएल ऑफिस में जाके मतलब बुक कर सकते हो, और तीसरा वे आप सबको शायद काफ़ी कम लोगों को पता होगा जो कि है वेंडर्स के थ्रू जो है आप यहाँ पे इसको जाकर बुक करा सकते हो। अब जिनको वेंडर्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता दूँ कि अगर बीएसएनएल ने क्या कर दिया है, घर घर तक पहुँचे आपके लिए कनेक्शन इजी वे में, उन्होंने अपना काम क्या कर दिया है। जैसे कि आपकी सिटी में लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको ये काम जो है दे दिया गया है जिससे कि आप तक ये आसानी से पहुँच सके। तो मेरा बात माने गए तो आप बीएसएनएल को ऑनलाइन बुक करने की जगह या फिर बीएसएनएल ऑफिस में जाके बुक करने की जगह अगर आप वेंडर्स की सुविधा अवेलेबल मतलब वेंडर के थ्रू ये कनेक्शन आप लगवा सकते हो, तो आप वेंडर्स का ही के थ्रू ही लगवाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको बेटर सर्विस मिलेगी एज कम्पेयर टू बीएसएनएल। आपको सर्विस जो प्रोवाइड किया जाएगा बीएसएनएल की प्रोवाइड की जाएगी, बट यहाँ पर जो है सर्विस जो देगी वो है वो वेंडर, तो आपको वहाँ पर बेटर सर्विस मिलेगी एज कम्पेयर टू बीएसएनएल। और सर्विस आपको बीएसएनएल तरफ से मिलेगी, पर जो है सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो वेंडर के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं आपको जो प्रोसीजर है वो आपको वेंडर के थ्रू बताऊंगा, कि यहाँ पे जो मैंने कनेक्शन लगवाया वो भी वेंडर्स के थ्रू ही है। तो गाइस यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करने का सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा है। आपको वेबसाइट पे जाना है, बीएसएनएल पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जो ऑप्शन दिखेगा बैनर जहाँ पे 500 रुपये का बुक करने का सिस्टम आएगा, वहाँ पे जाना है, उसको क्लिक करना है, आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स डालना पड़ेगा, नाम वगैरह एड्रेस वगैरह, और आपको जो है एड्रेस डिटेल वगैरह डाल देना है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना जो है बुक कर सकते हो। बट यहाँ पे भी आपको पेमेंट करना होगा एट द एंड। और आप अगर वेंडर्स के थ्रू जाकर आते हो, बीएसएनएल ऑफिस के थ्रू कराने जाते हो, तो आपके पास 2 फोटोकॉपी होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और आपका साइन आपके हाथ पे होना चाहिए, मतलब कि हाथ पे नहीं, मतलब आपका साइन आपको करना आना चाहिए। ये चीज़ है, तो आपको क्या करना है, बीएसएनएल ऑफिस में चले जाना या फिर वेंडर्स के थ्रू चले जाना, वहाँ पे कुछ कोई आपका पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा और एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, दो फोटो देने पड़ेंगे और साइन करने होंगे, और उसके बाद आपका यहाँ पे काम खत्म नहीं हो जाता। गैस आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि हमारा मेन इस वीडियो का मेन सवाल है, फिर मेन जो है कहे
आंसर देना है वो इस पेमेंट का है, जहाँ पे हमें अलग अलग पेमेंट देखने को मिलता है। चाहे हम एक सिटी में ही हमारा हम दो लोग हैं एक सिटी में लगवा रहे हैं, पर हमें अलग अलग प्राइस देना पड़ता है। इसके पीछे का रीजन अभी मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। गाइस यहाँ पे क्या होता है, बीएसएनएल का एक ट्विस्ट, कैसे पिक्चर के इसमें ट्विस्ट है कि यहाँ पे आपको जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो फ्री है, बट यहाँ पे आपको जो है ब्रॉडबैंड का चार्ज वो देना पड़ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ मेरी, गैस यहाँ मैंने 3500 का पेमेंट किया था, टोटल यही पेमेंट किया था, उसके बाद जो है बीएसएनएल फाइबर मेरे घर पर लग गया। बट यहाँ पे आप लोग सोचो कि 3500 यार कैसे, हमें तो यार 500 देना पड़ा। मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे ब्रॉडबैंड को प्राइस देना पड़ेगा, या ब्रॉडबैंड का लोग प्राइस ले रहे हैं प्लस 500 रुपये जो डिपॉजिट चार्ज है, इंस्टॉलेशन चार्ज वो कंपनी बोलती कि हम आपको इतना देना, वो आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है गैस, आपको जो 3000, 4000, 5000 रुपये देने पड़ रहे हैं वो आपको ब्रॉडबैंड के देने पड़े। बट आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि यार ब्रॉडबैंड इतना महंगा भी तो नहीं, आप सही कह रहे हैं, ब्रॉडबैंड यहाँ पे इतना महंगा नहीं आता। बट जो ये बीएसएनएल ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराता है सैरोटेक का, वो इसमें एक स्पेशल फीचर आता है, क्योंकि ये ब्रॉडबैंड महंगा है, आपको 4000 रुपये में ऑनलाइन देखने को मिल जाता है, ऑफलाइन भी आप पता करेंगे तो आपको इसी प्राइस में देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये जो है 4000 का मिलता है, पर ये डिपेंड होता है वेंडर या कहें बिजनेस के ऊपर कि वो ब्रॉडबैंड थ्रू आपसे कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। ये प्रॉफिट जो है नेगोशिएट कर सकते हैं उस प्रॉफिट को, मतलब कि आप कम ज़्यादा कर बोलने के लिए कर सकते हो, तो कम ज़्यादा कर सकता है आपका वेंडर या फिर बिजनेस खुद जो है। तो ये डिपेंड है, मतलब ये प्राइस 5000 तक होने का रीज़न ये है कि ये जो ब्रॉडबैंड का प्राइस है वो आपसे यहाँ पे चार्ज के लिए मांगते हैं, बाकी वो लोग जो है वो डिपॉजिट रुपये 500 रुपये मांगते हैं। तो ये रीज़न है यहाँ पे 3000 से लेकर 5000 तक इसका प्राइस होने का, मतलब फ्री बोलने के बाद भी यहाँ पे आपको जो है 3500 या 4000 या 5000 रुपये देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रॉडबैंड का चार्ज पे करना पड़ता है। यहाँ पे वो स्पेशल फीचर क्या है मैं ध्यान से आपको बता दूँ, यहाँ पे GEP ऑन करके ब्रॉडबैंड की खासियत है, यहाँ पे ये फीचर आपको देखने मिल जाता है। ये फीचर में क्या होता है कि आप इसके थ्रू जो है लैंडलाइन का सर्विस भी यूज़ कर सकते हो फ्री में, और दूसरा जो यहाँ पे आप कोई भी एक्स्ट्रा जो वायर आपको नहीं निकाल के लाना है कहीं बीएसएनएल के मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, डायरेक्टली जो है आपके ब्रॉडबैंड के थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को ऑप्टिकल नेटवर्क को जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में कन्वर्ट करके जो है आप इस लैंडलाइन को यूज़ कर सकते हो। तो ये इसकी खासियत है एज कम्पेयर टू अदर ब्रॉडबैंड के थ्रू अगर बात करें तो, ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है इस ब्रॉडबैंड के अंदर। तो यहाँ पे इसलिए प्राइस देखने को मिल जाता है। बट यहाँ फिर भी कुछ लोगों के मन में सवाल आता होगा कि यार हम 5000 रुपये पे करते हैं, अब ऐसा क्यों है, 10000 रुपये पे करते हैं ऐसा क्यों है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो कनेक्शन आता है वो डायरेक्टली आपके मतलब बीएसएनएल के हब से नहीं आता है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आता है जो आपके एरिया के आसपास होता है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आपके एरिया के पास नहीं होगा तो वो क्या होगा, नहीं होगा, तब बीएसएनएल को आप अगर आप कनेक्शन चाहिए तो बीएसएनएल को वहाँ लाना पड़ेगा। तो उसका चार्ज जो है मतलब वो बॉक्स को आपके एरिया के पास लाने के लिए, वो बॉक्स क्या देखो आस पास जो कनेक्शन आता है वो डायरेक्टली आप छत के ऊपर से वायर उड़ते हुए आपके घर तक आ जाता है, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो लगाया जाता है उसके पास जो वायर आता है मेन जो हब से वो आता है होके वो अंडरग्राउंड होके आता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर चार्ज पे करना पड़ जाता है, जहाँ पे हमें इसका प्राइस 10000 देखने को मिल जाता है। तो यही सारे जो कुछ रीजन है जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो होती है फ्री होने की जगह मतलब 500 रुपये होने की जगह हमें 3500 देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने प्राइस पे किया, और कुछ एरिया में यहाँ पर अलग होता है। तो डिपेंड होता है ये वेंडर्स या बिजनेस के जो कर्मचारी आपसे कितना लेते हैं अटेंशन जो है कितना लेते हैं आपसे, कितना प्राइस प्रॉफिट आपसे अर्न करना चाहते हैं वो उन पर डिपेंड होता है। अगर बिजनेस से भी आप कॉल करोगे तो भी आपको यहाँ पे कुछ फर्क नहीं होने वाला है, आपको जो चार्ज बोले वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप नेगोशिएट करते हो कि नहीं भाई हमें ये प्राइस में चाहिए बहुत ज़्यादा हो रहा है आप कम कर दिए तो वरना मैं कनेक्शन नहीं लगवाऊंगा, तो अगर वो कम कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि यहाँ मैं बात करूँ बीएसएनएल या फिर जो उस वेंडर को वो ब्रॉडबैंड जो है सैरोटेक का वो ब्रॉडबैंड को 2000 रुपये में पड़ता है, ये प्राइस मैंने पता है कि 2000 रुपये पड़ता है, वो उन पर डिपेंड कितने में आपको सेल करते हैं। तो गाइस अगर आप उसको बाहर से लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मतलब सर्विस का जो है दिक्कत आएगा, मतलब वारंटी वगैरह का दिक्कत आएगा, तो इससे बेटर आप जो है वेंडर थ्रू या बिजनेस थ्रू ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्राइस नेगोशिएट कर लीजिएगा तो आपको सही प्राइस मिल जाएगा। तो गाइस ये रही इसकी बुकिंग की और प्राइस की बात,
अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है कुछ फीचर्स के बारे में, ब्रॉडबैंड की फीचर्स के बारे में, किस तरीके से कनेक्शन किया गया। तो गाइस सबसे पहले कनेक्शन की बात कर लेते हैं। कनेक्शन के मामले में मुझे बहुत ही खुश हूँ BSNL से। यहाँ पे सुबह सुबह मैंने बुक किया और 4 घंटे के बाद मेरे घर पे बैल बजता है और मैं दरवाजे से ओपन करता हूँ तो वहाँ पे BSNL का टेक्नीशियन होता है जो कि बोलता है आपको फाइबर कनेक्शन लगवाना है। मैंने हाँ आंसर किया, उन्होंने पूछा किस रूम में लगवाना है, मैंने उनको रूम दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने छत के ऊपर से वायर केबल लेके आ गया और 1 घंटे के अंदर में वो कनेक्शन मेरे घर तक आ गया। तो गाइस यार इंटरनेट सर्विस जो उन्होंने काफ़ी फास्ट किया। और जो यहाँ पे मुझे 3 चीज़ देखने को मिली है वो है एक फाइबर केबल और दूसरा जो है वो है हमारा एक ब्लैक बॉक्स के अंदर फाइबर केबल को डालेंगे। उसको मैं आपको दिखा दूंगा एक बार अपने घर के अंदर जाकर। अभी मैं फिलहाल बाहर हूँ, कुछ नया ट्राई करने की सोच रहा था, वीडियो कुछ नए वे से आप तक मैं पेश करूं। तो बॉक्स कौन सा है, ब्लैक बॉक्स कौन सा है और फायरवे केबल भी आपको मैं दिखा दूंगा। और एक ब्रॉडबैंड मिलता है भाई, इसके बिना तो बिना काम वाला नहीं चलने वाला है। तो आप चाहे तो, हाँ एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे तो आप ब्रॉडबैंड नहीं ले सकते, उनकी तरफ से आप खुद का भी कोई ब्रॉडबैंड ले सकते हो, यहाँ पर आपका प्राइस कम हो सकता है। तो यार ये चीज़ें मैंने काफ़ी रिसर्च करके पता की, BSNL से पता करने की कोशिश की है, ब्रॉड वेंडर्स के थ्रू भी पता करने की कोशिश की, पर यहाँ पूरा अच्छे तरीके से आंसर कोई भी हमें नहीं प्रोवाइड करता है। अब ऐसा क्यों होता है गाइस, मुझे नहीं पता, शायद ये गवर्नमेंट के थ्रू चलती है आई थिंक, इस वजह से यहाँ पे या फिर कर्मचारी कुछ स्लो काम कर स्लोनेस दिखाते हैं। इस वजह से मैं ऑफेंड नहीं करना चाहूँगा किसी को भी, यार किसी को बुरा लगे ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, बट यार सही बात है एक ना बताना मुझे कि बेचने वाले जो स्लो काम करते हैं कहीं सर्विस लोग अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके कर्मचारी अच्छे से काम करें। तो चलिए यार रूम के अंदर चलते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ जो है देखने को मिली है, मतलब जो है ब्रॉडबैंड कैसा है, उसका ओवरऑल फीचर कैसा है और उसकी स्पीड हमें क्या देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें हम घर के अंदर जाके देखेंगे। तो चले घर के अंदर। सो यहाँ पे अपने घर के अंदर आ चुके हैं। सॉरी ये घर इतना छोटा नहीं है, बट आपको मेन जहाँ है कनेक्शन में वहाँ पे दिखाने वाला, ये वीडियो जो है मैं देखा काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ और ज़्यादा बड़ी हो, पर फिर भी ट्राई करूँगा हर चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। मेरी कोशिश ये थी कि आपको सारा चीज़ जो इस एक ही वीडियो के अंदर क्लियर हो जाए ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। तो चलिए मैं आपको कनेक्शन दिखाऊंगा किस तरीके से कनेक्शन किया गया। बाद में कनेक्शन 1 घंटे के अंदर ये पूरा कनेक्शन मेरे घर पर लग गया और ये है वो फाइबर केबल गाइस जो मेरे खिड़की से यहाँ के आई है और यहाँ पे मैंने इसको जो है अंदर छुपा दिया। तो जो मैं ब्लैक बॉक्स की बात कर रहा था गाइस, तो ये है वो ब्लैक बॉक्स जो कि हमें BSNL लगा के देते। तो गाइस ये ब्लैक बॉक्स जो एक बॉक्स की तरह आराम से खुल सकता है, बंद हो सकता है, बट यहाँ पे जो वायर देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ घुसाया गया है, डाला गया है। अब वो इसलिए किया गया कि यहाँ पे जो है इसके अंदर डाल के जो है इसको स्क्रू के थ्रू अंदर से टाइट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जिसका पोर्ट है वो डायरेक्टर अगर लगाते हैं तो वो ख़राब हो सकता है आगे चल के जो है, तो आपको इंटरनेट में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए क्या किया है, इस बॉक्स के अंदर डाल दिया, इसको टाइट कर दिया गया और दूसरे साइड से जो ये वाला येलो वायर देख रहे हैं उसको निकाला गया है। ये दोनों वायरों को यहाँ पे ज्वाइन किया गया, जो ये दोनों वायर निकले हैं वो हमारे ब्रॉडबैंड में जाएंगे। तो गाइस ये चीज़ था वो ब्लैक बॉक्स और ये था वो फाइबर केबल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब हम बात करेंगे गाइस जो है एक बॉक्स के अंदर हमें जो है ये ब्रॉडबैंड देखने को मिला। सारे सामान यहाँ पे सारा सामान वाले बिखरा हुआ है, तो ये बॉक्स हमें देखने को मिला। उसके बाद मैंने कवर चढ़ा दिया है ताकि ये जो है गंदा ना हो सफ़ेद कलर का, इस वजह से। तो यहाँ पे गाइस मैं अगर अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश, साइरोटेक की जो है कंपनी की मतलब ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे काफ़ी सारे लाइट्स दिए गए, आपको देख नहीं पा रहे हो। इस कवर को मैं निकालने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने इस कवर को यहाँ फिट करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ मैंने जो है उस कवर को लगाने के बाद जो उसके अंदर होल्स किए, अगर मैं इसको निकालता हूँ तो ये सारे होल्स इधर उधर ढिल जाएंगे और मेरा पूरा मेहनत ख़राब हो जाएगा और ये चीज़ मैं नहीं करना चाहता। तो गाइस बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी जो है काफ़ी अच्छी है, मजबूत है, सफ़ेद कलर का है, अच्छा दिखने भी लगता है, सिंपल सा है पर अच्छा दिखता है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आप जिन्हों को नहीं बताऊँगा साइरोटेक कंपनी कौन सी है, तो मैं बताऊँ साइरोटेक हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छी जो है ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती है। ये ब्रॉडबैंड जो आपको ज़्यादातर जो है आप इंटरनेट प्रोवाइडर को आप लगवाते हैं वहीं से देखने को मिलती है, क्योंकि उनको काफ़ी सही प्राइस भी मिल जाता है और अच्छी फीचर भी आपको प्रोवाइड कर जाती है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ नोटिस किया रही, जो इसके एंटीनास है वो काफ़ी चीप क्वालिटी की, ऐसा क्यों है पता नहीं है, सारा पैसा लगता है इसको बिल्ड क्वालिटी अच्छा करने में बना दिए। आई थिंक जो ये एंटीना आप देख सकते कैसे डगर डगर हिल रहा है, बट आप आराम इसको मूव ऑन कर सकते हो, एक बार इसको मूव एक सेट करते पर्टिकुलर वे में सेट कर देते तो आपको भी दिक्कत नहीं। अगर हाँ बार बार भी करते हो तो पता नहीं कभी टूट जाए।
तो गैस यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी सारे होल्स दिए हैं, और यहाँ बाजू में भी आपको दिखाने को यहाँ पे भी जो है वेंटिलेशन के होल होल्स दिए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने इसको एक्सपीरियंस किया गया है, थोड़ा सा हीटअप होता है अगर मैंने रिसर्च किया है, जो इंटरनेट पे जब अदर्स ब्रॉडबैंड है वो हीट नहीं होते, आई डोंट नो वाई ये हीट होते हैं, आई थिंक जो है कुछ मैन्युफैक्चर इसी तरह से इसको किया गया होगा। बट यहाँ पे कोई भी इश्यू मुझे इंटरनेट के टाइम मतलब फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है इस हीटिंग की वजह से, और ना ही मुझे कोई इसका मतलब जो है बंद चालू वगैरह कोई भी इश्यू वगैरह नहीं दिखता है। और जो हीट इसका एक पर्टिकुलर हीट है वो उससे हीट से ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है इसके अंदर। तो ये थे ओवरऑल इसके जो है फीचर। इस जो बॉक्स आता है उसके अंदर ये ब्रॉडबैंड रहता है, और एक ये जो है हमारा इंटरनेट केबल वो रहता है येलो कलर जो कि मेरी पीसी में गया हुआ है, और ये एक चार्जर मिलता है जो यहाँ पे यहाँ देख पा रहा भी कनेक्टेड है, और ये ऑन भी है और कनेक्टेड भी है मेरे एंड्रॉयड टीवी से और कंप्यूटर से। तो बात करें गाइस इसके पोर्ट की, तो यहाँ पे मैं अगर पोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो ये है सप्लाई केबल का पोर्ट, और इसके नीचे आपको यहाँ पे देख सकते हो ये जो होल आप देख रहे हो रिसेट पिन का है, दूसरा बटन है वो है वो वाईफाई का बटन से वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं, तीसरा जो दूसरा जो बटन है आप देख पा रहे हो पेयर का बटन, जिसके थ्रू अगर आप टेलीकम्युनिकेशन लाइन इसमें लगाते हो मतलब लैंडलाइन कनेक्ट करते हो तो उसको प्रेस करके आपका लाइन कनेक्टेड है कि नहीं इसको पता कर सकते हो, उसमें एक रिंग करेगा। तो यहाँ पे दो लेंस के मतलब इंटरनेट के केबल्स है जिसके थ्रू आप लैन के थ्रू भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद वैन का केबल वैन का कनेक्शन है, और उसके बाद जो आपका वही येल्लो वायर है जो इंटरनेट का मतलब नेट प्रोवाइड करता है ब्रॉडबैंड के अंदर वो चीज़ कनेक्ट है। तो ये सिंपल सा चीज़ के अंदर आपको दी गई है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी गाइस अच्छी है, एकदम अच्छी है, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली है, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। और इसकी मैं आपको एक अच्छी और बताऊंगा, इस सारे टेक को जो है आप जो सारे थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, इसके पीछे आपको एक पासवर्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे और ब्लर हो रहा है थोड़ा सा टाइप करता हूँ सॉरी गाइस अच्छे से हो नहीं पा रहा है क्लियर। तो उसके नीचे जो है यूज़र मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया, इसके थ्रू आप इसके सारे टेक सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। बट अगर आप इसी पासवर्ड से कनेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, उसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब कौन डिवाइस कनेक्टेड है कौन डिवाइस नहीं कनेक्टेड है सेटिंग चेंज करते हो, और थोड़ा रिस्की भी है। कभी कभी क्या होता है ये जो है पासवर्ड इसका बदल दिया था ऐसे बिजनेस की तरफ से ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो वो आपका उस सेम पर्टिकुलर पासवर्ड से कनेक्ट नहीं होता है और इसलिए ऐसा होता है। और अभी चलो फटाक चलते हैं देख लें इसकी ओवरऑल स्पीड क्या है, हमें कितनी स्पीड देखने को मिलती है, और लास्ट में इसके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लें। इसके लिए हमें अपने पीसी में चलना पड़ेगा, फटाक से अपने पीसी में चलते हैं और देखते हैं हमें इसकी ओवरऑल स्पीड क्या मिलती है। सो यहाँ पे हम अपने पीसी पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमारा ब्रॉडबैंड थ्रू हमारे पीसी ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैंने वेबसाइट को ईजी करने का फटाफट दिखाने के लिए ऑलरेडी खोल कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया है, मैं चाहकर तो छोटा नहीं कर पा रहा हूँ, जो चीज़ मुझे बताना है उसके लिए इतना टाइम लगेगा ही। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो नेट वो बेसन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो देख सकते हैं फाइबर थ्रू कनेक्टेड है मतलब इंटरनेट पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है, जो कि सिटी नेट बीएसएनएल है, और कनेक्टेड यहाँ पर इसका वाईफाई भी आ रहा है, पर यहाँ मैंने पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर रखा ताकि मुझे जो ओवरऑल स्पीड है वही देखने को मिले। तो यहाँ पे जो स्पीड टेस्ट वेबसाइट ओपन मैंने किया है वो ओकला वाली है, इसके बारे में आपने नाम सुना है, वो काफ़ी फेमस वेबसाइट स्पीड टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेसनल का जो है प्रोवाइडर वो हमें दिखा रहा है, और जो सर्वर है हमारा क्वेस्ट टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड है, चाहे तो आप सर्वर चेंज कर सकते हो बट यहाँ पे मैं चेंज नहीं करूँगा, डायरेक्टली जो है गो पे क्लिक करके आपको उसका स्पीड दिखाया था फटाफट। तो यहाँ पे गो पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरा टेस्टिंग चालू हो गया है। तो गाइस यहाँ पे पिंग डाउनलोड्स अपलोड का सिस्टम है, तो पिंग क्या है कैसे बता दूँ, यहाँ पे पिंग एक ऐसा सिस्टम है, सिंपल वर्ड में बात करूँ यहाँ पे वो ये बताता है कि आपका जैसे कि आपने कुछ भी चीज़ एक सर्च किया तो वो डाटा बन के आपके मतलब सर्वर के पास जाता है, सर्वर से डाटा आपके पास लाता है, तो वो जो डाटा लाने में आपके पास टाइम लगता है वो चीज़ को हम पिंग कहते हैं। जितना ज़्यादा पिंग कम रहेगा उतना अच्छा नेट आपको देखने को मिलेगा, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नेट के द्वारा देखने को मिलेगा, तो उसे हम जो है पिंग कहते हैं। तो जितना कम पिंग रहेगा उतना अच्छा रहता है, ये चीज़ हम पिंग के बारे में जान लीजिए। तो कैसे अब मेरा स्पीड टेस्ट चेक हो चुका है, तो यहाँ पिंग हमारा जो 11 है जो काफ़ी बेहतरीन पिंग है, और डाउनलोड जो स्पीड बताऊँ मैं 66 Mbps है, जहाँ पे इस नेट का भी यूज़ पूरा है हमारे एंड्रॉइड टीवी में, जहाँ मेरे भाव मूवी देख रहे हैं, देन ऑल्सो हमें यहाँ पे डाउनलोड Mbps जो 66 Mbps देखने को मिल रहा है। अपलोड स्पीड की बात करूँ गाइस फिलहाल इस बार जो है थोड़ा सा कम है, 66.47 Mbps है, बट हर टाइम जो यहाँ पे 70+ ही होता है। तो यहाँ पे गाइस 60 बात को मेरे प्लान की गए, तो यहाँ पर जब मेरा प्लान है भूल गया बताना, वो 60 Mbps वाला प्लान है जिसका
प्राइस है वो 599 है, जीएसटी के बाद वो 7,000 रुपये तक पहुँच जाता है। तो इस प्लान के अंदर 1 महीने के अंदर आपको 3,300 TB डेटा देखने को मिलता है। 3,300 डेटा तक जो है 60 MBPS तक की स्पीड चलेगी, जो कि यार मैंने यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम बात करें प्लान का स्पीड जो हमें बहुत सही मिलता है, 4-5 दिन से इसको यूज़ हो रहा है तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। मतलब कोई इशू अभी तक देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब फालतू बदनाम कर रखे हैं BSNL को कि यार स्पीड बार बार मतलब डाउन हो जाता है वगैरह वगैरह करके बोलते हैं। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों होता है, शायद ये रीजन की वजह से फ़र्क पड़ता होगा, मतलब अलग प्लेस से होने की वजह से फ़र्क पड़ता होगा। बट यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ, मैं एक दादरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रहता हूँ, जो कि यूनियन टेरेटरी है अपने इंडिया का, तो वहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। खैर अगर आपको आपके एरिया में कुछ सर लगवाने के बाद कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर से हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ यार कहीं के एरिया में ऐसे कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो गैस ये जो ओवरऑल स्पीड है मुझे काफ़ी अच्छा मिला, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा, मतलब सर्विस भी अच्छा मिली, स्पीड भी हमें अच्छा मिल रहा है, डाउनलोड स्पीड काफ़ी फास्ट होता है, सर्चिंग भी फास्ट होता है, और यहाँ पर जो हम कुछ सर्च करते हैं वो फटाफट जो है एज ए मतलब जैसे हम कोई फाइल खोलते हैं कंप्यूटर वैसे खुलता है। तो यार स्पीड अच्छा मिला, अपनी स्पीड भी अच्छा मिल रहा है, और जो ओवरऑल सर्विस भी बड़ी अच्छी रही मुझे पेंटर के थ्रू भी जो मिली। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ यार, कुछ भी आपको अगर डाउट रह जाता है इसके रिलेटेड, फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन यार दिया गया है, कमेंट सेक्शन यूज़ करके आप कमेंट में हमें बता सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं वीडियो अगर अपलोड करता हूँ, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है, मतलब काफ़ी सारे लोग देखते हो, अगर चाहते हो कि मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी। और इस वीडियो का मतलब बताने का एक माध्यम आप चूज़ कर सकते हो यार लाइक, अगर जितना अच्छा लाइक मिलेगा मुझे भी लगेगा हाँ मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ आपके लिए और आपको पसंद आएगा, तो लाइक करके हमें बता सकते हो। आई होप गाइस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कुछ भी रह जाता है इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे डाउट मन में, मैं लास्ट में था फटाफट कर दिया कि वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेन हमारा टॉपिक ये था कि प्राइस आपको बताना, और मैंने सोचा कि ना पूरा चीज मतलब जो इंक्लूड कर दिया जाए, तो फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में उसको मुझे बताओ यार ये चीज़ आपको डाउट रहेगा, मैं आपको पूरा पूरा कोशिश करूँगा क्लियर करने के लिए। तो इसी के साथ अपना अवकाश यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बाय बाय।